ये क्वेश्चन गेट 2020 में फोटो है, तो इसमें क्या कॉल किया है फन 2-5। तो पहले तो ये देख लो ये क्लियर कट रिकर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि फन 1 के अंदर फन 1 की डेफिनेशन मैंने फन 1 को कॉल किया हुआ है, फन 2 की डेफिनेशन के अंदर मैंने फन 2 को कॉल किया हुआ है, तो दैट इज रिकर्शन क्वेश्चन। और फन 2-5 हमने कॉल किया है, तो जैसे आप फन 2-5 कॉल करोगे तो कंट्रोल इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे वही बात है, वेरिएबल बना लो, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 0। स्टैटिक आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए, स्टैटिक जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, जब भी हमारा कंट्रोल दूसरे फंक्शन पे भी जाता है तो भी ये वैल्यू अपनी याद रखता है, मतलब इन द सेंस ये मेमोरी इसकी डीएलोकेट नहीं होती है, मेमोरी इसकी एलोकेटेड रहती है और जो भी वैल्यू होगी वो रिटेन रहेगी। ठीक, बस ये खास बात होती है स्टैटिक की, और स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होंगे मेमोरी में, बार बार इनिशियलाइज नहीं होंगे, मतलब जब भी मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा, जैसे मैंने फन टू एंड माइनस वन कॉल किया, दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू 0 दोबारा से नहीं होगी, आई की वैल्यू हमारे पास जो पुरानी थी वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है स्टैटिक में, बाकी नॉर्मल हमारा फंक्शन नॉर्मल प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारी 5 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, हमने देखा एन इज ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0 है यस, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस फन 1 एन, तो फन 1 हमने फंक्शन कॉल कर दिया और एन की वैल्यू क्या थी 5 हमने यहाँ पास करी, तो फिर हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पे n बनाया और उसके अंदर 5 ले आए, स्टैटिक इंट i, यहाँ पे भी i वेरिएबल स्टैटिक डिफाइन करा है, उसकी वैल्यू 0 ली है, और हम क्या कह रहे हैं इफ n इज ग्रेटर देन 0 प्लस प्लस i फन 1 n माइनस 1। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, यस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो प्लस प्लस i मतलब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फन 1 n माइनस 1, n माइनस 1 कॉल करोगे तो कंट्रोल इधर आएगा वापस, मतलब n की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसके बाद फिर i प्लस 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 i होगा तो 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, हम सिर्फ 1 तक जाएंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0 तक हम चलते रहेंगे और इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जब 0 हो जाएगा तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 तो हम रिटर्न आई करवा देंगे, तो आपको ये प्रोग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक एक मैं घटाता जा रहा हूँ एन में और आई में एक एक इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, तो मैंने आई की एन की वैल्यू मैंने 5 पास करी थी, एन की वैल्यू मैं एक एक घटा रहा हूँ और आई में एक एक बढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक आप गेस कर पा रहे हो अल्टीमेटली आई की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जिस भी अब मैं इस फन वन की डेफिनेशन को जनरलाइज कर देता हूं, जो भी मैं एन की वैल्यू पास करूंगा उतने मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा एक किस्म से आई के अंदर। ठीक है, तो बस हम यही करेंगे। ओके, तो अब यहां से हमने 5 पास करा था तो 0 था, तो 0 में 5 इंक्रीमेंट करे, अल्टीमेटली आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू 5 रिटर्न करी, तो ये 5 आई इज इक्वल टू आई प्लस 5 हो जाएगा, तो आई विल बिकम हेयर 5। अब हम कॉल करेंगे फन टू एन माइनस 1, मतलब n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4, 4 होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा ना कंट्रोल, हाँ, तो जब हमने यहाँ से फन टू 4 कॉल किया तो n की वैल्यू 4 होगी, कंट्रोल यहाँ आ गया, स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 0, ये लाइन मैंने आपको बताया था बार बार नहीं चलेगी, तो हम देखेंगे क्या 4 ग्रेटर देन 0 है, यस, तो i इज इक्वल टू i प्लस फन 1 n। ठीक, तो फन 1 अब क्या n की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं चुपचाप से i के अंदर, तो 4 इंक्रीमेंट करूंगा तो 5 प्लस 4 इट विल बिकम 9, तो ये क्या रिटर्न करवाएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी 9, तो i प्लस फन 1 एन मतलब 5 हमारे पास था तो 5 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब उसके बाद फिर फन 2 एन माइनस 1 हमने कॉल करा, दैट मीन्स 3, तो हम बोलेंगे 3 ग्रेटर देन 0 यस, तो फिर i प्लस फन 1 एन, तो 9 5 प्लस 9 हम कर रखा था हमने, और फिर हमने यहां से 3 कॉल करा है तो कंट्रोल इधर आएगा, तो 9 में 3 इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे, इट विल बिकम 12, तो अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल आई था ना 9 प्लस 5, इसके अंदर हम लोग 4 इंक्रीमेंट करके, हाँ, तो फन वन एन का करा था तो 12 आया था, तो हमने 12 इंक्रीमेंट और कर दिए। ठीक है, प्लस अब फन 2 ये 3 हो चुका था, तो अब हम क्या कर रहे हैं फन 2 2 कॉल कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो फिर इधर कंट्रोल आएगा ये चीज चलेगी नहीं, तो फिर 2 ग्रेटर देन 0 यस, तो i इज इक्वल टू i प्लस फन 1 n, तो फन 1 n, n क्या है अब 2 है, तो कंट्रोल इधर आएगा, तो 12 प्लस 2 दैट इज 14, तो ये 14 रिटर्न करवाएगा, तो प्लस 14 हो जाएगा, बाकी का समझ लीजिए ट्रिवियल काम है एकदम, तो फिर n की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, तो एक इंक्रीमेंट होगा तो दैट विल बी 15। ठीक है, और उसके बाद फिर 0 ग्रेटर देन 0 वो हमारा चलेगा नहीं, तो फाइनली हमें इसको सम करना, तो आंसर विल बी 55। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर 55।